छत्तीसगढ़ विधानसभा के द्वितीय सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन से बाहर आने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ का मूल बजट पेश किया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक बजट होगा। आज तीसरी अनुपूरक बजट पेश किया गया है। इसमें जनता की अपेक्षा के अनुरूप विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। महतारी वंदन योजना को लेकर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मोदी की गारंटी के तहत विष्णुदेव साय सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाते हुए महतारी वंदन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी द्वारा और कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार 9 तारीख को 9 फरवरी को 12:30 बजे बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को के लिए यह एक ऐतिहासिक बजट होगा और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाला बजट। तृतीय अनुपूरक आज वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जनता जनार्दन के अपेक्षाओं के अनुरूप मोदी जी की गारंटी को पूरा करने की दृष्टि से अनेक प्रावधानों को किया गया है, जो इमीडिएटली इसी वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए यह अनुस्थापित किया गया है। यह अनुपूरक तृतीय अनुपूरक अनुस्थापित किया गया है और पूर्ण बजट मूल बजट वर्ष 2024-25 के लिए 9 तारीख को 9 फरवरी को 12:30 बजे प्रस्तुत किया। मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों की दृष्टि से क्रांतिकारी कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने महतारी वंदन योजना को लागू करने का कैबिनेट में भी निर्णय ले लिया है। और इसके तहत हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे, जिससे आप सभी जानते हैं कि जब पैसा माता बहनों के हाथ में जाता है तो उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए वह खर्च होता है। इससे निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण भी होगा, माताएं बहनें अपने इच्छा अनुसार खर्च कर पाएंगी और इससे परिवार का भी पूरा एक विकास होगा। इस दृष्टिकोण से यह योजना बहुत दूरगामी बेहतर परिणामों की दृष्टि से लागू की गई है। यह योजना छत्तीसगढ़ के लिए क्रांतिकारी साबित होगी और छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली होगी। अभी कुछ विषय आ रहे थे, जैसे मोबाइल नंबर ना हो तो उसके लिए शासन ने शिथिलता करते हुए राशन कार्ड की व्यवस्था को भी मान्य किया है। कई लोगों के पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता है, प्रचलन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता है मैरिज सर्टिफिकेट बनाने का, ऐसी स्थिति में वो शपथ पत्र दे दें तो भी वो मान्य कर लिया जाएगा। निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार काम करती रहेगी। निश्चित रूप से आदरणीय गवर्नर साहब का, राज्यपाल महोदय का, जो कि संविधान में कार्यपालिका के प्रदेश के हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उनका भी भाषण होता है। उस अभिभाषण के पश्चात एक पूरा दिन निर्धारित करके 2 दिन इस बार निर्धारित किया गया है उस अभिभाषण पर चर्चा के लिए। तो इसलिए विपक्ष को एक अच्छी संसदीय परंपरा का अनुसरण करते हुए टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। 2 दिन की जब चर्चा होगी तो उस पर जो भी बात उनको रखनी है उस 2 दिन के चर्चा के दौरान रख सकती है।